हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, मिस लीनियस एरर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करेंगे एरर नंबर 81 से एरर नंबर 100 तक। दोस्तों, 80 एरर्स तक मैं अपलोड कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपने देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली एरर, एरर नंबर 81। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पहली एरर और सीरीज की 81 एरर। तो देखते हैं, ही सेज दैट ही नीड्स नॉवल्स टू पास अवे द टाइम। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं टू पास अवे द टाइम, जबकि पास अवे का मतलब होता है मर जाना। तो यहां टाइम को हमें काटने के सेंस में यूज करना है, तो टाइम काटने के लिए आप सिर्फ पासवर्ड का यूज करेंगे, यहां पर अवे नहीं आएगा। तो यहां पर आप कहेंगे पार्ट सी में एरर है और बहुत ही आसान एरर है, अगर आपको ये बात पता है, नहीं पता तो मुश्किल एरर है। 82, according to the radio, it can rain this evening, no error. तो देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पर आएगा। According to the radio, आप possibility की बात कर रहे हैं और जब आप possibility की बात करेंगे तो can नहीं आएगा, may आएगा। Can ability में generally लगाएंगे और possibility में आप may word का use करेंगे। जैसे आप बोलें he may come today, I may go there today, तो यहाँ पर may आएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे किस में error है, part B में, क्योंकि can की जगह may आना था। द सर्वेंट्स हैंग द लैम्प ऑन द वॉल, डी ऑप्शन यहाँ पर नो एरर होता है। अगर आपको लगे कोई एरर नहीं है तो डी ऑप्शन होगा, मगर इस सेंटेंस को देखते हैं। द सर्वेंट्स हैंग, दोस्तों इस वर्ब को देखिए, हैंग का मतलब होता है लटकाना और हैंग का मतलब होता है फांसी देना। जब हैंग का मतलब लटकाना होता है तो इसकी सेकेंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग होती है, क्योंकि यहाँ पर फांसी देने का सेंस नहीं है, यहाँ पर लैम्प को लटकाया गया है, तो यहां सेकंड फॉर्म हंग आएगी, यहां पर आपको हैंग नहीं लगाना है। तो एरर हो गई बी पार्ट में और हैंग की जगह क्या आएगा, हंग। हाँ, अगर फांसी देने का सेंस होगा तो उस केस में आप हैंग कर सकते हैं। दोस्तों, एरर नंबर 84, व्हाई दे केम हियर यस्टरडे। यस्टरडे में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन की फॉर्म में बनना चाहिए, तो व्हाई दे केम तो यहां कोई लॉजिक नहीं हुआ, तो यहां आपको सेंटेंस क्या बनाना पड़ेगा, व्हाई डिड दे कम, क्या बनाना होगा, Why did they come? क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। Scarcely had it stopped raining when I started to my college. Scarcely के साथ when का पेयर होता है, यहाँ कोई एरर नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं started to my college, मैं कॉलेज के लिए निकला। जब आप started वर्ड का निकलने के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपको स्टार्ट के साथ फोर वर्ड का यूज करना होता है कि I started for my college, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा फोर। तो पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गई और started for आपको लिखना होगा। I will return back in 5 minutes, दोस्तों return मतलब वापिस आना और back मतलब वापिस, तो दोनों वर्ड्स एक साथ यूज नहीं हो सकते, तो ये एरर है पार्ट बी, back नहीं आएगा। एरर नंबर 87, either an officer or an assistant are required. दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं an officer either के साथ लगा और के साथ एक assistant लगा, एक ही है, singular ही है, और either or के pair में जो past में होगा verb के उसके according verb लगेगी, singular है an assistant, आपको officer को नहीं देखना है, तो यहाँ पर आएगा is। बहुत आसान तरीके से इस error को किया जा सकता है अगर आपको rule याद है, either or, neither nor, आपको जो verb के close subject है सिर्फ उसे देखना है, दूसरे को नहीं देखना, क्योंकि वो सिंगुलर था इसलिए हमने यहां पर इस लगाया। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, दोस्तों सेम यूजुअल टाइम यहां पर जच नहीं रहा है कि सेम वर्ड भी आए और यूजुअल वर्ड भी आए, तो यहां से आप यूजुअल हटा दीजिए और क्या बोलिए, एट द सेम टाइम या एट द यूजुअल टाइम, तो कुल मिलाकर पार्ट सी में एरर हो गई। दोस्तों देखते हैं 89, एरर नंबर 89, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑफ वर्ड, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ जब भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पर ऑफ बाय की जगह क्या आएगा, बाइंग। तो दोस्तों इस क्वालिटी को समझिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि प्रेपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा तो इस तरह की एरर सेकेंड्स में हो जाएंगी, और नहीं है तो आप इन्हें 2, 4, 5 कितनी भी बार पढ़ी आपको एरर नहीं मिलेगी।
तो एरर को समझने की शक्ति को समझिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे और नंबर ऑफ एरर्स, बहुत सारी एरर्स आप कर कर जाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस क्या करना है, एरर्स करते जाना है और बस एक सोच होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चंस करने हैं इंग्लिश में, सारे क्वेश्चंस करने हैं और सटीकता के साथ करने हैं और सारे ठीक करने हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। जब आपको ये पता लगे कब से, क्या पता लगे कब से, तो आप सिंस लगाते हैं। और जब आपको पता लगे कितनी देर से, कितने समय से, कितनी देर से, तो आप वहां पर फोर लगाते हैं। क्योंकि यहां पर मुझे ये पता लग रहा है कितनी देर से, 4 घंटे से, ये तो नहीं पता लग रहा कब से, इस वजह से यहां पर सिंस नहीं आएगा, यहां पर फोर आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं पार्ट सी में एरर है और सिंस की जगह आपको फोर लगाना है। सिंस जब आता है, जब ये पता लगे कितनी देर से। If he had walked fast enough, he will get the bus. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, had walked लगा हुआ है। अगर if के साथ past perfect tense होता है तो यहाँ will नहीं आता है, यहाँ पर would have आता है, would have got the bus। तो जब भी वहाँ पर आपको if के साथ past perfect मिलेगा तो यहाँ पर दूसरे sentence में आपको would have लगाना होगा। तो प्रिंसिपल क्लोज में वुड हैव गॉट आएगा, तो पार्ट सी में एरर। ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग। एडिक्टेड के साथ 2 प्रेपोजिशन फिक्स होती है तो यहां पर विद नहीं आएगा, यहां पर 2 आएगा, पार्ट सी में एरर हो गई। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। दोस्तों अगर सब्जेक्ट में वन है आपके पास तो उसका पजेसिव ना देयर हो सकता, ना हिज हो सकता, ना हर हो सकता, 100% वंस होगा। तो कुल मिलाकर पार्ट सी में एरर हो गई। देख पा रहे हैं आप, सेकंड्स में एरर हो रही है अगर लॉजिक क्लियर है। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। अचीव के साथ आपने कभी प्रेपोजिशंस नहीं देखी होंगी तो यहां पर फॉर नहीं आएगा। अचीव समथिंग, अचीव माई ऑब्जेक्ट, तो यहां पर फॉर नहीं आएगा, पार्ट सी में एरर है। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स अगो। दोस्तों ये सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए क्योंकि पास्ट की हम बात कर रहे हैं 10 साल पहले, तो सेकेंड फॉर्म ही अकेले इस तरीके से यूज होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म कभी अकेले ऐसे यूज नहीं होती। तो यहां पर बिगिन आपको लगाना होगा, बिगेन, बिगन यहां पर नहीं आएगा। तो माई नेफ्यू बिगेन वर्किंग। एरर नंबर 96, शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द ऑल्टर। दोस्तों ऑन द ऑल्टर होता है जिसके ऊपर हम मंदिर में कुछ भी ऑफरिंग, कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसे ऑल्टर बोलते हैं, और उसके लिए ऑन आएगा, इन द ऑल्टर नहीं आएगा, पार्ट सी में एरर है। सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। तो यहां पर फिर प्रेपोजिशन की एरर है, मैरिड विद नहीं होता है, मैरिड टू होता है। दोस्तों समझिए कितनी जल्दी जल्दी एरर मिल रही है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो गेटिंग मैरिड टू सीता होगा, विद नहीं होगा। अगली एरर देखते हैं। इन द 4th semester ऑफ द कोर्स अटेंडेंस फेल डाउन। दोस्तों यहां पर डाउन वर्ड नहीं आएगा। फॉल डाउन मतलब होता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है पर्सन के लिए, कि ही फेल डाउन। और जब नॉर्मली आपको आंकड़ों को, किसी चीज को, स्कोर को गिरते हुए दिखाना है तो उस केस में आपको फेल अकेला यूज करना है, मींस फॉल अकेला यूज करना है, डाउन वहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर पार्ट सी में एरर हो गई। बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। देखिए आप फेयर को प्लूरल में बोलना चाहते हैं, बुक तो एज एन एडजेक्टिव मान लीजिए आप यहां पर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर बुक्स फेयर ना कहकर हम कहेंगे बुक फेयर्स, बुक्स फेयर, एक फेयर की हम बात ही नहीं कर रहे थे, तो बुक फेयर्स, तो यहां पर बुक फेयर्स आएगा। तो पार्ट ए में यहां पर एरर हो गई, बुक्स फेयर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप क्या कहेंगे, आप एक एडजेक्टिव वर्ड को तो सिंगुलर ही रखेंगे, प्लूरल किसे करते हैं, नाउन वर्ड को, और यहां नाउन वर्ड की तरह क्या यूज हो रहा है, फेयर यूज हो रहा है, बुक तो उसे क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा फेयर, बुक फेयर। इसलिए बुक को आप सिंगुलर रखें और फेयर को आप फेयर्स कर दें। लास्ट एरर आज की, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर। एक्यूरेट तो अमाउंट क्वांटिटी के लिए लगा सकते हैं, यहां पर डेट की बात आएगी तो आप कहेंगे एग्जैक्ट डेट।
तो यहां पार्ट बी में दोस्तों एरर हो गई, डेट एक्यूरेट नहीं होती, डेट एग्जैक्ट होती है। तो दोस्तों ये थी आज की 20 एरर्स, और मैं उम्मीद करता हूं आपको 20 की 20 एरर्स अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।